फ्रेंड्स, वेलकम टू मरीन रिपब्लिक। अपने इस वीडियो में हम आपको बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस के बारे में बताएंगे, जहां पर एकेडमिक्स अच्छे हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिलती है और जॉब भी अच्छी कंपनीज में मिल जाती है। इसके पहले कि हम आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बताएं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। ये जो मरीन इंजीनियरिंग है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है और इसका यूज केवल शिपिंग इंडस्ट्री में है। और अगर किसी वजह से आपको शिपिंग इंडस्ट्री में कोर्स खत्म करने के बाद जॉब नहीं मिलता है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कोई भी दूसरी इंडस्ट्री आपकी इस डिग्री को एंटरटेन नहीं करेगी और आपका करियर बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में अराउंड 26 कॉलेजेस हैं जिनको भारत सरकार ने मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कराने की मान्यता दी हुई है, और इन कॉलेजेस से लगभग 2,500 लड़के हर साल पास आउट होते हैं, लेकिन मार्केट में इतनी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हर साल बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती। इसके बाद वो एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जो इनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं और उनका करियर कोई बहुत अच्छा आगे नहीं जा पाता है। इसलिए 12th करने के बाद अगर आप मरीन इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर अपना स्टेप आगे बढ़ाएं और केवल टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लें, वरना आपके करियर के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। और जो ये टॉप कॉलेजेस की लिस्ट हमने बनाई है, ये मरीन रिपब्लिक से जुड़े हुए चीफ इंजीनियर्स का अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो इस लिस्ट में टॉप कॉलेज है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, कोलकाता कैंपस। दोस्तों, 1949 में एस्टेब्लिश हुआ ये भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है और ये दुनिया की टॉप कॉलेजेस में आता है। पूरे वर्ल्ड की टॉप की शिपिंग कंपनीज ले लीजिए, उसकी जो टॉप की पोजीशंस में है उसमें इसी कॉलेज के लड़के या एक्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एकेडमिक्स यहाँ पर बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग भी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है और वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए भी आती हैं। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स की यहाँ से जॉब भी लग जाती है इन सारी टॉप क्लास कंपनीज में। जो लड़के पढ़ाई में अच्छे नहीं होते या जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता है, केवल वो बच जाते हैं और लास्ट में फाइनली होते होते उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। दूसरा फायदा इस कॉलेज का ये है कि यहाँ की फीस रिलेटिवली काफी कम है। 4 साल में आपकी अराउंड 8-9 लाख रुपीज फीस खर्च होगी। और इस कॉलेज का डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। तो हमारे ओपिनियन में IMU कोलकाता कैंपस नंबर 1 कॉलेज है। दूसरे नंबर पर आता है तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, पुणे। इंडिया की एक ठीक ठाक शिपिंग कंपनी है तुलानी शिपिंग कंपनी। ये कॉलेज उसी कंपनी का कॉलेज है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनीज यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं और 80-90% कैडेट्स का यहाँ से सिलेक्शन भी हो जाता है। काफी अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। आपको 4 साल के कोर्स में तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च करना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि IMU कोलकाता और तुलानी की फीस में 17-18 लाख रुपए का डिफरेंस है। और हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज। दोस्तों, सिंगापुर की एक काफी बड़ी शिपिंग कंपनी है एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। ये कॉलेज सिम्स जो है ये उसी कंपनी का कॉलेज है, तो इसलिए जो भी लड़के समुद्रा इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव शिपिंग कंपनी में तो जॉब मिल ही जाती है। यहाँ पर भी एकेडमिक्स काफी अच्छा है, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फीस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस इंस्टीट्यूट में भी आपको लगभग 25 लाख रुपए 4 साल में खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, यही 3 कॉलेजेस हैं जिनको कि हम ए कैटेगरी में रख सकते हैं, और अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिले तो आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और जितने 23 कॉलेजेस हैं वहां की सेटिस्फेक्शन लेवल काफी कम है। दूसरी कैटेगरी के कॉलेजेस में मैनेट पुणे करके एक कॉलेज है, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन मैनेट पुणे में भी जॉब की काफी मारामारी है और सारे लड़कों को वहां से जॉब मिल नहीं पाती है। फ्रेंड्स, इन 4 कॉलेजेस के अलावा अगर कहीं से आपको कोर्स करना पड़े तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो फीस तो लेते ही हैं, साथ में जॉब लगवाने का अलग से पैसे की डिमांड करते हैं और आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेकर भी कोई बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं दिला पाते।
पहले तो आप कॉलेज की वैसे ही बड़ी हाई फीस दे रहे हैं, उसके बाद आप जॉब लगवाने का अलग से पैसा दे रहे हैं, और फाइनली आपको अच्छी कंपनी भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करने का कोई फायदा नजर नहीं आता। इससे बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप फिर मर्चेंट नेवी में आ जाएं। तो दोस्तों, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय आप इंस्टीट्यूट्स के या एजेंट्स के एडवर्टीजमेंट में ना आए, उनके झूठे वादों में ना आए, ये आपका करियर है, आप सोच समझ कर डिसीजन लें और केवल टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में ही एडमिशन लें।